आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए लाया हूँ जो हमारे गांव के अंदर एक छुपा रिश्ता है जिससे मैं मिलाऊंगा। कोई अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीईओ बनना चाहता है या कोई कुछ भी बनना चाहता है, लेकिन इसने अपना कैरियर एक पेंटिंग को चुना जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कैरियर में पैसा भी बहुत है, नाम भी बहुत है, लेकिन बहुत कुछ लोगों को ये पसंद है क्योंकि हर आदमी पेंटिंग कर भी नहीं सकता। इसी कड़ी में मैं आपको उदन में एक मनीष डाका है, बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है, पेंटिंग का में एकदम माहिर है। उसको श्रीमान गहलोत साहब ने भी फोन करके बधाई दी थी और उसको डोटास राजी जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी सम्मानित किया हुआ है। उसको सम्मानित करने में तो किसी ने कमी नहीं छोड़ी है। मुझे तो ये लगता है कि इसका नाम भी शायद गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अगले सालों में आ सकता है, और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जब मैंने इसको देखा, इसका हुनर को देखा, तो मुझे लगा कि इसका नाम होना ही चाहिए। तो मैं आपको उसी मनीष डाका से मिलाने जा रहा हूँ। ये जो आप, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहता हूँ कि जो भी ये पेंटिंग वगैरह है इनके जो भी ये है सब दिखाएं। अब आपको हमारे जो आर्टिस्ट है यानी कि जो पेंटिंग के बहुत ही अच्छे गाता हूँ उनसे मिलाता हूँ। तो सर पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभ नाम है मनीष डाका जी, राजस्थान के अपने सीकर जिले के गांव इंदा में इंदा का हूँ। अच्छा। और अभी उदन में रहता हूँ। नहीं, जैसे आप उदन में कितने साल से हैं? मुझे तो यहाँ आए हुए एक साल हुई है, 22 साल और उनको 5 साल हो गए यहाँ। आप पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई में क्या करते हैं आप? पढ़ाई में पेंटिंग से बीए के होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। कहाँ से? बीकानेर में बीजेएस रामप्रिया कॉलेज। उसी के साथ में यहाँ अपने लक्ष्य स्कूल है विद्यासर में, वहाँ एज ए गेस्ट के रूप में बच्चों को ये पेंटिंग सिखाता था। अच्छा, जैसे ये आपको जो, अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये जो प्रेरणा मिली कहाँ से? ये मुझे जवान महोदय विद्यालय सरदार चंद चौधरी है, वहाँ से मेरे जो दो शिक्षक हैं डॉक्टर राजेश पाटिल जी और सुरेश जी, उनसे मिली। सबसे पहले आपने कौन सी पेंटिंग बनाई? मैंने देवराम अम्बेडकर जी की पेंटिंग है, वो मैंने बनाई अपने बड़े भाई साहब के देख के, वो भी नवोदय में है, वो बना के लेके आए थे। उसी दिन मैं इच्छा हुई कि भी मैं भी बनाऊँ और मैंने बनाई और वो बेस्ट बनी, सबने तारीफ की उसी से। आपको जो पहले आपने जो पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग बनाने में आपको कितने दिन लगे? मैंने शाम को खाना खाने के बाद लगा था, शायद 7 या 8 बजे और 9 या 10 बजे कम्प्लीट हो गई। आपको ऐसा नहीं लगा कि, आपको ऐसा लगा कि मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ, आपको कैसा लगा? उसी टाइम जब सबने तारीफ की उसी टाइम मुझे लगा कि शायद मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, क्योंकि अपन से ज्यादा जो अपनी कला देखते हैं ना वो ज्यादा बताते हैं कि वास्तव में आपने तो बहुत बढ़िया बनाया। और उसी टाइम मैंने बताया भी है कि अहमद हुसैन साहब है जी, उनकी डेथ हुई थी उस टाइम, उनका आर्टिकल पढ़ा मैंने कि भाई एक आर्टिस्ट है जो इतने पेंटिंग से इतने पैसे कमाता है और इतना नाम है, पद्मश्री पद्मभूषण सब अवार्ड मिले हुए हैं उनको, तो उस बारे मैंने सोचा ये लाइन अपने लिए बेस्ट है। नहीं, आपको इस अपने कैरियर में आपको कैसा लगता है कि आपका कैरियर इसमें बन जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, हो भी गए स्टार्ट बनना अभी। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कैरियर है नहीं, मैं तो ये मान लूँ अपन दिन रात लग गए कन्फर्म है कि बनेगा और मेरा और भी बेस्ट बनेगा। जो ये आपको जो बताया गया कि आपको पेंटर बनना है,
पेंटिंग करने, ये किसने आपको, किसको, किसने बताया आपको कि इसमें इस जो ये कैरियर में आपको ऊंचा उठना है? मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया, मेरे भाई साहब हैं उन्होंने मुझे बताया। मतलब आपके जो घर से स्टार्ट हुई कि आपके जो भाई साहब हैं वो भी आर्टिस्ट हैं क्या? नहीं आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो नौदिन है तो नौदिन जितने भी हैं वो सभी फील्ड में जाते हैं, म्यूजिक है, पेंटिंग है, तो वहाँ सिखाई जाती है। वो भी बना के लिए उन्होंने बाद में मेरी कला देखी, उनसे बेस्ट बनी थी, उन्होंने कहा मेरे लिए बेस्ट है। मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक था जी, तो होता है कि घर वाले समझ जाते हैं, इसमें नाना नानी एक बार स्टार्टिंग में हुआ था कि नहीं नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन भाई साहब इस चीज़ को समझ गए थे कि भाई ये पढ़ाई से बढ़िया है इस चीज़ को पकड़ लिया। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपको किसी की पेंटिंग बनाने का कितनी देर में बना सकते हैं? उसमें टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बनाता हूँ एकदम बारीकी से, तो 8 घंटे में कम से कम मानता हूँ। अगर आपने कभी अपनी माँ की भी तस्वीर बनाई है? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी माता जी की तस्वीर बनाई थी, जब मैं क्लास 8 या 9 में था उस टाइम बनाई थी। तो आपको माँ को कैसा लगा देखिए? अभी वही है कि दुख भी होता मुझे बहुत अभी भी कि आज माता जी होती तो वो बहुत खुश होते, लेकिन क्या करते। मतलब माता के जाने, आपका माता का शुरुआत होने के बाद में बनाई आपने, तो आपको उसको देख के बड़ा दुख भी होता होता है। आज अगर हमारी माँ होती तो कितना खुश होती कि मेरा बेटा आज कितनी ऊंचाइयों पे है। तो क्या आपने उस जो मूर्त बनाई थी, क्या उसमें आपको देख के खुशी होती है कि कैसे, आपको घरवालों कैसा लगता है? मैंने ज्यादा उस पेंटिंग किसी को दिखाया नहीं, वो सभी अलग अलग सोच है। मैंने उस पेंटिंग को अपने संदूक में रख रखा है, उसको ज्यादा मैं शो नहीं करता उस चीज को, लेकिन मैंने बना के रख रखे जितना उसमें मैंने बनाया एकदम मन से बनाया था स्टार्टिंग में। और अभी मुझे ये लगता है कि आज माता जी होती तो आज तो मैं खुश होते हूँ। आपको सबसे पहला जो प्रमाण पत्र मिला या जो आपको कहाँ से मिला पहले? और मैं बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो भी हो रहा है मुझे ये लगता है कि अभी भी मेरी माता जी का आशीर्वाद मेरे पीछे है। मुझे ऐसे एहसास भी होता है और ये वास्तव में है। और मुझे सबसे पहला जो अवार्ड है वो नवोदय विद्यालय में मिला था, उसमें मेडल कोई रैंक नहीं आई थी, लेकिन एक सांत्वना जिसको बोलते हैं वो मिला था मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ा है। मैंने अभी भी उसको संभाल के रख रखा है। मेरी लगभग जो चीज़ें यादगार है, फर्स्ट है, पहली है, वो सब मैं संभाल के रखता हूँ। आपका ये जो कमरा देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले दिनों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है। क्या आपने कभी अप्लाई किया है? हाँ, मैंने अप्लाई किया है और ये भी खुशी की बात है कि मेरी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। सितंबर मंथ तक का मुझे टाइम दिया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। मैंने अभी वापस से उनको मैसेज किया कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए गिनीज के लिए। आपको आपको क्या कहा गया उसके अंदर? आपको वहाँ से जो एप्लीकेशन आपको जो उत्तर आया उसका, उसमें क्या कहा गया आपको? उसमें 20 पेज की गाइडलाइन आती है, उसमें मैंने कनाडा का जो है रिकॉर्ड 60 घंटे का है, तो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं। कनाडा में बना था फर्स्ट क्योंकि 60 घंटे कंटिन्यू पेंटिंग का है। मैंने उसको अप्लाई किया तोड़ने के लिए 70 घंटे का, और उन्होंने पूरा गाइडलाइन दिया कि हिसाब से आपको करना है, प्रशासन होगा वहाँ पे, सबके सामने लाइव होगा, रिकॉर्डिंग होगी पूरी उस हिसाब से। मतलब आपको अभी अभी जो कोरोना की वजह से आप कर नहीं सकते, आप लोगों को ये बताया कि उसके बाद में करूँगा, तो आप फिर अचीव कर लेंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे बैठने की अभी तक है कि मैं 48 घंटे तक कर सकता हूँ अभी काम, और मेरे में कोई थकान नहीं है। और अभी गर्मी की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है। 48 घंटे कहाँ पे किया आपने? नहीं, गाँव में। हाँ यार, मतलब 48 घंटे लगातार आपने पेंटिंग बनाई? पेंटिंग कितनी बनाई सर? इसमें स्केच होते हैं जो अपने वाल्मीकि रामायण में आए हैं। हाँ हाँ, इसमें हाँ बीच में खाने का रोत वो अलग चीज वो तो बहुत अलग होता है, लेकिन ये है कि मैं सोया नहीं। अच्छा, 48 घंटे तो 48 घंटे मतलब इसका मतलब आप 48 घंटे अगर काम कर सकते हैं तो कोई 70 घंटे आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मेरा मन यानी विश्वास है मुझे, और मैं कोशिश करूंगा, मैंने 70 का कहा लेकिन कोशिश करूंगा कि उसको 100 तक लेके जाऊँ, और उस टाइम कंडीशन देखेंगे कि कैसी क्या है। ये जो आप जो मनीष जी से मिले, मैं भी मिला, बहुत खुश हुआ कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो स्टेज से सामने बैठे आदमी की कलाकृति बना सकता है। और मैं तो भगवान से और आप लोगों की यही दुआ करता हूँ कि इस आदमी को वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज होने का आप भी भगवान से अरदास करें। और मैं भी यही करता हूँ, आप और भी कुछ किसी को कुछ कहना चाहते हैं?
बस मैं तो ये कहना चाहूंगा जो किसी फील्ड में बढ़िया है उसको टाइम दें, और अपने जितने भी कह रहे हैं चाहे घरवाले हैं वो भी बच्चों को मौका दें इन चीजों में। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में बढ़िया नहीं हो लेकिन किसी चीज में बढ़िया हो, एक बार मौका जरूर दें। तो मैं इसी बात में विराम देता हूँ, लेकिन इस आदमी को जो ये मनीष जी है इनको आप कमेंट करके मेरी जो ये फेसबुक पेज है और ये यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये जरूर बताएंगे कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट जरूर करें, उसको लाइक जरूर करें, इस शख्सियत को अपन को ऊपर ले जाना है। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध कर सकता हूँ। सुधीर शर्मा कूदन से, धन्यवाद।